अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं परवीन आपा, आप लोग कैसे हैं, सब ठीक है। आज मैं आपको सजेस्ट कर, हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। आज सुबह से बहुत बारिश हो रहा है, 11 बजे से जो बारिश हो रहा है माशाल्लाह, अभी भी बारिश बहुत अच्छा हो रहा है। मौसम ठंडा है, कई दिन से बारिश हो रहा है। कल थोड़ा हल्का हुआ, परसों भी तो बहुत तेज़ बारिश हुआ, और आज भी बारिश बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ बारिश का। देखिए हमारे कबूतर साहब वहाँ बैठे हुए हैं। देखिए बारिश हो रहा है। ये देखिए मैं चावल चढ़ा चुकी, मैं चावल हो रहा है। हमें सारे लड्डू बनाने वाली हूँ, अभी थोड़ा सा चावल होने में बाकी है। हमारे यहाँ सुबह से बहुत बारिश हो रहा है, आपको मैं दिखाई, बिजली भी हल्का हल्का हो रहा है, मतलब ज़्यादा तेज नहीं है लेकिन ज़ोर से हो रहा है बारिश। मैं मस्टर्ड ऑयल से बनाऊंगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ कदीमा चिंगड़ी। कदीमा को इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं। ये देखिए, इसको मैं काट के लच्छे वगैरह से रखी हूँ। ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में रखी हूँ, बहुत मज़े का खाने में लगता है। आप लोग भी खाए होंगे ज़रूर। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं गैस को ऑन कर चुकी हूँ। मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। ये मेरा प्रॉन है, ये 200 ग्राम प्रॉन है, जिसको मैं स्किन को अच्छा से साफ कर ली हूँ पूरा। देखिए ये 200 ग्राम है मेरा। तो मैं ये मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल दी हूँ। थोड़ा सा और डालूंगी मैं, तब मैं ज़्यादा में नहीं डाली हूँ, 50 ग्राम तेल ही डाली हूँ। स्लिप हो गया मेरे हाथ से। ये देखिए मेरा टोन, ये तेल में गरम कर रही हूँ, तेल गरम हो जाए। ये सारा मसाला है मेरा, सिर्फ नमक 1 चम्मच है, सब हाफ स्पून करके, काली मिर्च, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब हाफ स्पून है। नमक 1 चम्मच है, 1 प्याज है जिसको मैं पेस्ट करके रखी हूँ। देखिए हमारे यहाँ भी लाल प्याज आ रहा है, ठीक है, उसको मैं पेस्ट। ये देखिए ये प्रॉन है, ये 200 ग्राम प्रॉन है, अब मैं इसको डाल दूँगी। तेल में प्रॉन को फ्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छा होता है। अब ये जो प्याज है, ये प्याज का पेस्ट में डालूंगी, जिसमें लहसुन डालूंगी। थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए, काली मसाला डालूंगी मैं। ये देखिए ये मेरा 1 बड़ा चम्मच का अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा नहीं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच है, जिसको मैं इसको भी डाल दी प्याज में। चिंगड़ी हमारे बड़ा प्रॉन जो है थोड़ा बड़ा साइज का है माशाल्लाह, तो उसका साइज काफ़ी बड़ा है। ये सब मैं बर्तन जितना खा लिया हो बेसन में डाल दिया, तो उसको धो के उठा ली। देखिए चिंगड़ी काफ़ी बड़ा साइज का, सब राउंड राउंड कितना बड़ा हुआ है। ये देखिए राउंड राउंड बड़ा हो गया, बड़े साइज का प्रॉन था मेरा। देखिए ये राउंड हो जाता है जब तेल में आप डालिएगा। एक बार से मसाला मेरा भुना गया कि सारे मसाला में ये सारे मसाले डालूंगी, बहुत मज़े का, मुझे तो बहुत पसंद है। अरे मेरे हस्बैंड है, उनको भी बहुत पसंद है कदीमा चिंगड़ी। पम्पकिन कहते हैं इंग्लिश में से, रेड पम्पकिन, इसे रेड पम्पकिन कहते हैं। अब सारे मसाला में जितना है, ये सब हाफ स्पून है, सिर्फ नमक 1 चम्मच है, क्योंकि पम्पकिन, ये जो पम्पकिन होता है ये कदीमा थोड़ा मीठा होता है। बिस्मिल्लाह, ये थोड़ा इसको थोड़ा तीखा बनाइएगा तो खाने में, क्योंकि मीठा होता है तो थोड़ा तीखा अगर नहीं होगा तो खाने में मज़ा नहीं लगेगा, थोड़ा तीखा बनाइएगा। ये मेरा मसाला बहुत अच्छा से भुना गया। ये देखिए माशाल्लाह
अब ये जितना जो कदीमा है ये सारा मैं इसमें डाल ली हूँ। तो कदीमा भी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा से मसाला मैं 5 मिनट भून रही हूँ, बहुत अच्छा से, ऐसे पानी नहीं रहना चाहिए, अच्छा से पहले से धो के उसको भूखा, क्योंकि पम्पकिन थोड़ा ऐसे ही पानी छोड़ता है। ऐसे थोड़ा सा मसाले में भूनिएगा पहले, फिर इसको पानी डाल के गलने दीजिए। मेरा चावल हो गया, मैं चावल को जा रही हूँ पसाने के लिए। बारिश थोड़ा आस्ते हुआ लेकिन बादल गरज रहे, बहुत जोर आवाज़ सुनिए। थोड़ा सा मसाला भुना जाए, मैं चावल जब तक पसा लेती। ये देखिए मैं मसाला को भून चुकी हूँ, अब इसमें थोड़ा पानी डालने जा रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालूँगी, पहले थोड़ा डालूँगी, इसको मैं 5 मिनट गलने के लिए देती हूँ। ये मैं चावल पसा चुकी हूँ, देखिए मैं चावल स्टीम में है, हो गया, देखिए कितना अच्छे से मेरा चावल हो गया है। गैस को मैं बंद कर रही हूँ। यहाँ देखिए मेरा काफ़ी मेरा पानी, ये थोड़ा सा मैं पानी एकदम दीजिए, एक कप से भी कम पानी दीजिए, मैं देखिए कितना पानी छोड़ा। देखिए इसको मैं, क्योंकि इसको एकदम ड्राई करके रहें, सूखा ग्रेवी वाला भी आप खा सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन हम सूखा खाते थे, उसमें बहुत मज़े होता है। नमक चेक करेंगे कैसे है, नमक नमक कम है क्योंकि मीठा है कदीमा, थोड़ा मीठा होता है, तो मैं 1 चम्मच नमक दी थी। बाकी सारे मसाले ठीक है, अब 1/2 स्पून नमक और दे रही हूँ। देखिए ये हो गया, बस ये गलेगा, हो गया तो कदीमा वो जल्दी गल जाता है, तो सॉफ्ट होता है ये, और बहुत टेस्टी माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रहा है। चावल मेरा हो चुका है, बस ये भी 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि कदीमा गल चुका है, उसको थोड़ा मसाला मुझे सुखाना है। ये देखिए मेरा पानी इसका पूरा सूख रहा है, इसका मतलब थोड़ा ग्रेवी में सुखा, क्योंकि थोड़ा ग्रेवी वाला रहेगा। और रखे भाई के लिए मैं चाय बना रही हूँ, आज घर पर बारिश बहुत हो रहा है, तो चाय उनका बन चुका है। ये देखिए चाय पीना है आप लोग सबको, ये मैं चाय उनके लिए बना रही हूँ, चाय तो उन्हें चाहिए, चाय उनके फेवरेट है, उनके जान। चावल उतार के मैं बनाई थी इसी के लिए, चावल चावल गैस को स्लो कर दी, मेरा पानी भी सूख गया है, माशाल्लाह सादा हो गया मेरा। कबूतर लोग को मैं खाना दूंगी, मैंने कबूतर सारे वेट कर रहे हैं, सारे कबूतर वेट कर रहे हैं। देखिए इस देर तो बारिश हो रही है, तो लोग के लिए बैठा है। तो ये मेरा हो गया है, मैं आपको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपके भाई को मैं चाय दे दूँ, मैं चाय उनको दे के आऊँ, या जब तक बाद में ये हो गया, मैं गैस पर जाके बंद करूँगी। ये हो गया है इतना अच्छा, मुझे तो दिल करता अभी मैं खाना खाऊँ, लेकिन क्या करूँगी, नमाज पढ़ूँगी जोहर का, तब मैं खाना खाऊँगी, अगर हम खा नहीं सकती हूँ मैं इसलिए। हमारे यहाँ बारिश भी होता जाए, मेरा सारे कबूतर वेट करे, सारे को मुझे खाना देना है। आ रही हूँ मैं, गैस में बंद कर चुकी, ये देखिए गैस को मैं बंद कर दिए। मैं आपको इस कटोरे में निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़े का होता है, जो लोग बना के खाएंगे वो तो जानते ही होंगे कितने मज़े का होता है ये वाला सालन कदीमा चिल्ली, हमारा तो बहुत ही फेवरेट है। और आज का जो मौसम हो रहा है, बारिश हो रहा है हमारे यहाँ, तो ये और खाने में चांद चांद, जिसको बोलता है चांद चांद लग हो जाएगा। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारा प्रॉन गरम है, थोड़ा सा ऊपर से कोरिएंडर लीव्स दूंगी मैं, थोड़ा सा ये देखिए मैं काट के रखी हूँ कोरिएंडर लीव्स, खूबसूरती के लिए, खूबसूरती का मज़ा कहते हैं ना। बारिश हो रहा है माशाल्लाह, जोर नहीं हो रहा है, आस्ते हो रहा है, लेकिन मौसम तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा मौसम हो चुका है, एकदम ही गर्मी नहीं है, एकदम ही गर्मी नहीं है, सच में बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। ये देखिए ये मेरे ये
ये देखिए ये मेरा कदीमा चिवड़ी, जिसको आप लोग कहते हैं लाल कद्दू, ये कदीमा चिवड़ी रेडी हो गया है। अब मैं अपने कबूतरों को से देखिए, आप मेरे सारे कबूतर वेट कर रहे हैं, ये हो गया। तो प्लीज़ बना के ज़रूर खाइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक लाइक करना है ज़रूरी, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा लाइक मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़। मैं नमाज़ पढ़ूँगी, देखिए मेरे देखिए बारिश हो रहा है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए देखिए मेरे सारे कबूतर ऊपर में देखिए कैसे वेट कर रहे खाना खाने के लिए। ये सबको मैं खाना दूंगी। मैं देखिए ये थोड़ा सा चावल, ये चावल वो लोग खाते हैं, मैं देखिए ये चावल मैं लोग को दूंगी, ये सब आ जाएंगे अभी खाने खाने के लिए। देखिए दौड़ के सब आएंगे, ये सबको मैं चावल दूंगी। देखिए मेरे कबूतर आना स्टार्ट हो गए, माशाल्लाह सब आना स्टार्ट कर दिए, वेट कर रहे थे खाना खाने के लिए। ये देखिए देखिए मैं खाना दे दी, ये देखिए देखिए आ रहे मेरे सारे कबूतर, देख लिए देखिए सब कबूतर आ रहे हैं। देखिए ये लोग अभी आएंगे खाने खाने के लिए, ये मैं आपको, ये देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ आज रात में मैं बनाने वाली ये मूंग दाल, ये ग्रीन मूंग दाल है, देखिए इसको मैं भिगो के रखी हूँ, कि रात में भिगोने में भूल गई थी, इसको मैं 2 घंटा आगे भिगोई हूँ, 2-3 घंटा हो गया है लगभग, लेकिन अभी भी ये भीगा नहीं है, अभी ये भीगा नहीं है। तो आज रात में ये मूंग दाल देखिए अभी हुआ सॉफ्ट हो गया है, ये सॉफ्ट हो गया लेकिन सही से भी और भीगा नहीं है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया, उस जितनी गर्मी पड़ी हुई थी माशाल्लाह राहत मिला है। ये देखिए मेरा सब पेड़ में देखिए, ये सारे में एलोवेरा पेड़ को मैं अलग कर दी हूँ, बेबी प्लांट जितने सब हुए थे सब को मैं अलग कर दिया हूँ। देखिए ये एलोवेरा यहाँ है, ये मनी प्लांट देखिए कितना अच्छे से हो के आया, ये सारे सबसे खूबसूरत मेरा ये प्लांट है, सबसे खूबसूरत देखिए इतना अच्छा से इसके पत्ता देखिए, अब जो जितना पत्ता आ रहा है कितना बड़ा बड़ा, पहले का पत्ता सब छोटा छोटा था, अब देखिए बारिश की बूंदें इसमें गिर रही कितने माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे। ये देखिए बारिश हो रहा है, हल्का हो रहा है, ज़ोर से नहीं हो रहा है बारिश, हल्का हो रहा है लेकिन बहुत अच्छा। अब मैं चल रही 2 बज गए, अब मैं ज़ोर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।